आपके गाय बकरी मुर्गी सुअर जो पालना चाहते हैं उन सबों के लिए, आपके आपको राशन देने के लिए, आपको कपड़ा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए। और इसके बाद अभी फिर से शिविर लगेगा, और वो शिविर क्या चीज का लगेगा, आपको याद है कि सरकार ने कानून बनाया है कि निजी क्षेत्रों में 75% जो लोग नौकरी करेंगे वो स्थानीय लोग होंगे, उसका शिविर लगेगा, और हर कंपनी में ये खोजा जाएगा कि यहां के लोगों को नौकरियां मिली है कि नहीं मिली। तो इसलिए आप सब लोग अपने कार्यक्रमों को में आइए, शिविरों में आइए, और जो लोग किसी शिविर में नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, दूसरे पंचायत के शिविर में भी जाकर के अपने आवेदन दे सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, वहां भी जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन एक आदमी 50 जगह आवेदन ना दे, इससे दुनिया भर के कागज पत्र में घुमा फिरी होता है, फिर आपका कंप्यूटर आपका कागज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आप सब लोग और सभी पदाधिकारी पूरे सहयोग के साथ यहां काम करें। अभी जो हमें यहां भी पता चला है, अभी 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो हुआ ही, 135 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ, और 3,400 लाभुकों के बीच में 22 करोड़ का आज ये परिसंपत्ति का वितरण हुआ आज यहां पर, अभी और भी वितरण होंगे ऐसे। और डोमचाच अनुमंडल अस्पताल के लिए 22 करोड़, मरकच्चो जलापूर्ति योजना के लिए 65 करोड़, कटैया माधवपुर ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपया, तो कई ऐसी योजनाएं जो हमें पता चला है कि यहां पर शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, और भी कई योजनाएं हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और षड्यंत्रकारियों से बचे रहे। विगत 20 वर्षों में आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाया, यहां का गरीबों का विकास और गरीबों का सम्मान तो छोड़िए, उनको कैसे समाप्त किया जाएगा, यही काम इन लोगों ने किया। और आजकल कानून व्यवस्था के नाम पर अपना रोज अखबारबाजी पेपरबाजी में लगे हुए, भ्रष्टाचार सरकार का रोज ढोल नगाड़े पीटते हैं और ये चिल्लाते हैं कि